अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स पेज नंबर 75 BRS फिजियोलॉजी, वी हैव कवर्ड मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल एंड पेसमेकर एक्शन पोटेंशियल इन द प्रीवियस वीडियोस, एंड नाउ वी आर मूविंग टू द पेज 75 एंड द टॉपिक इज कंडक्शन वेलोसिटी। सो व्हाट इज कंडक्शन वेलोसिटी? कंडक्शन इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस फ्रॉम द पेसमेकर टू द मसल। You know what is conduction? Conduction is basically the transfer of impulses. So in case of the cardiac muscle, the conduction is the transfer of electrical impulses from the pacemaker to the whole myocardium. So what is velocity? Velocity is basically the rate of the change of the speed. And where is there is a rate of change of, it's mean there is some time. So time is noting and time is calculating. So conduction velocity is the reflects the time required for excitation to spread throughout cardiac tissues, and it depends upon the size of inward current during the upstroke. So conduction velocity तो आपको समझ में आ गई कि basically इसकी definition ये है कि how much time is required for the excitation of whole myocardium. Then ये डिपेंड किस पे करती है? ये डिपेंड करती है कितना अपस्ट्रोक है, और अपस्ट्रोक का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयन इनटू द सेल विया मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अपस्ट्रोक। सो जितना ज़्यादा पॉजिटिव आयन मूव करेंगे इनसाइड द सेल, जितना ज़्यादा अपस्ट्रोक होगा उतनी फास्टेस्ट डीपोलराइजेशन होगी, और फास्टेस्ट डीपोलराइजेशन की वजह से हायर कंडक्शन वेलोसिटी होगी, ठीक है। देन मूविंग ऑन टूवर्ड्स थर्ड पॉइंट विद से कि कंडक्शन वेलोसिटी सबसे ज़्यादा फास्ट परकिंजी सिस्टम में होती है एंड स्लोवेस्ट होती है एवी में। अब एवी नोड पर हमारे पास स्लोवेस्ट कंडक्शन वेलोसिटी क्यों है? एवी नोड which is located at the junction of your atria and your ventricles, this AV node help in the conduction of impulses from atria to ventricles. और atria और ventricle के दरमियान दोनों के different function होते हैं। atria जब contract होता है तो उस time ventricles relax होते हैं, atria से blood squeeze होकर ventricles में आता है। so अगर यहाँ पर rapid contraction होने लगी तो सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपके एट्रिया से कंप्लीट ब्लड वेंट्रिकल्स में ना आए। सो अगर कंप्लीट ब्लड नहीं होगा, इनएडिक्वेट फिलिंग होगी वेंट्रिकल्स की, तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो जाएगा। सो कंडक्शन वेलोसिटी एवी नोड पर सबसे कम होती है ताकि वेंट्रिकुलर फिलिंग अच्छे से हो जाए बिफोर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। होप इट इज़ क्लियर टू यू। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्साइटेबिलिटी, सेम पेज 75 पर है। एक्साइटेबिलिटी, यू नो कि हम कोई स्टिमुलस दें और वो स्टिमुलस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में कन्वर्ट हो जाए तो हम इसे कहेंगे एक्साइटेबिलिटी ऑफ दैट सेल। और आपके कार्डियक सेल्स, दीज आर एक्साइटेबल सेल्स, दे जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, एंड द स्टिमुलस इज द सोडियम आयन। The inward movement of sodium ion causing depolarization, they generate action potential in the muscles. And again, excitability is also depend on how much positive ions are available. So, jitne positive ions available honge, jitna zyada inward current hoga, utna zyada upstroke hoga, utni zyada excitability hogi. So, another property of the muscles are refractory period. Refractory period kya hota hai? It is the period during which depolarization does not occur. ठीक है, muscle cannot be re-excited if it is excited previously. यानी कि first time अगर depolarization हो गई है और वो complete नहीं हुई तो second depolarization नहीं होगी with normal stimulus. सही हो गया? यानी कि हमारे पास depolarization में क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि नॉर्मली -90 mV होता है, ये चेंज होकर पॉजिटिव 20 तक जाता है, +20 तक जा रहा है। इस पूरे पीरियड के दरमियान जब एक दफ़ा सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो गया, पूरे पीरियड के दौरान जब तक मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव नहीं हो जाता,
सेकेंड इम्पल्स नहीं जनरेट होगी अगर हम नॉर्मल स्टिमुलस दें तो. दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड. रिफ्रैक्टरी पीरियड इज द पीरियड ड्यूरिंग विच सेकेंड इम्पल्स कैन नॉट बी जनरेटेड विद द नॉर्मल स्टिमुलाई और द अच्छा अब रिफ्रैक्टरी पीरियड भी दो तरह के होते हैं. पहले भी बता चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियोज़ में भी है, अभी भी बता रही हूँ. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड. मैंने बताया डीपोलराइजेशन में एक्शन पोटेंशियल चेंज होता है -90 से +20 तक. अब ये जो ग्राफ दिया हुआ है पेज 75 पे फिगर 3.6 इस पे फोकस करें. इसमें जो हमारे पास ये वाई एक्सिस है जो कि मिली वोल्ट पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन को शो कर रहा है, तो -90 से आप देख रहे हैं ये रेड लाइन ये शो कर रही है डीपोलराइजेशन को. ओके अब -90 से डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुई और ये ऊपर +20 तक. जब तक -90 से +20 का मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं अचीव हो जाता डीपोलराइजेशन कंप्लीट नहीं होगी. इफ अगर ऐसा हो कि -40 तक, लाइक हमने इन दोनों का मिड पॉइंट एक कंसीडर कर लिया -40 -90 से लेके -40 तक एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आप जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे दें, सैचुरेशन क्रिएट करवा दें भले से आप सोडियम आयन की आउटसाइड द मेम्ब्रेन, फिर भी सेकेंड एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा. ओके तो इस पीरियड को जिसमें सेकेंड एक्शन पोटेंशियल किसी सूरज जनरेट नहीं होता, हाउ मच स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस वी आर गिवन डजेंट मैटर. तो इस तरह का रिफ्रैक्टरी पीरियड जिसमें देयर इज टोटल एब्सेंस ऑफ सेकेंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड. ये जो ARP लिखा हुआ है इट डिनोट्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड. देन अगर इस 40 मिली वोल्ट के बाद हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे रहे हैं और कुछ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तो इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड. ओके यानी कि लेट डीपोलराइजेशन में अगर हम मोर देन स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दें और वो कुछ हद तक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर ले तो इसे हम कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड. देन वी हैव इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड. इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में ये होगा कि एक्शन पोटेंशियल तो मतलब मसल मेम्ब्रेन तो डीपोलराइज हो जाएगी विद स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, लेकिन वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं करेगी. सो इट इज कॉल्ड इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड. पेज नंबर 75 पर लास्ट लाइन लिखी हुई है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में कि ये अपस्ट्रोक पोटेंशियल में होती है जब डीपोलराइजेशन हो रही होती है, जब सोडियम और कैल्शियम आयन अंदर आ रहे होते हैं तो उस दौरान कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता, इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड. इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में ये होता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में अगर कोई स्टिमुलस ऐसा है जिसने डीपोलराइजेशन करा दी लेकिन वो फर्दर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकता, देन रिफ्रैक्टरी पीरियड ये है कि आफ्टर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड अगर मोर देन स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दिया जाए तो सम एक्शन पोटेंशियल कैन बी इलिसिटेड. तो ये हमारे पास पेज नंबर 76 पर 3 पॉइंट्स थे. होप इट इज़ क्लियर टू यू. अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो यू कैन पॉइंट आउट माई मिस्टेक इन द करेंट सेक्शन, यू कैन करेक्ट मी एंड अदर्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.